हेलो एवरीवन, चलिए करंट के को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? इटली, इजराइल। देखते हैं, सही उत्तर है बी, इजराइल। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा जलवायु परिवर्तन को घोषित किया है। दूसरा सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिय सेवा संयुक्त भारत के पश्चिमी तट पर किया, अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के नाम से? कौन है वो देश, देख लेते हैं उसका उत्तर। कोंकण, यूके इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय नियुक्त किया गया जनपदीय जयदीप गोविंद, अरुण कुमार मिश्रा, एच एल दत्तू, महेश मिश्रा? ये मिसप्रिंट है और सही उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 13 जून, 15 जून को, 16 जून को और 17 जून को? ग्लोबल दिवस, चलिए देखते हैं उत्तर, बी, 15 जून को। नेक्स्ट, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सरफराज आलम, लक्की अली, आमिर खान, इम्तियाज अली? देखते हैं उत्तर, डी, इम्तियाज अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैब्रियन बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? गैब्रियन बोरिक पेरू, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला? देखते हैं सही उत्तर क्या है, आप अनुमान कीजिए। सी, चिली, चिली के राष्ट्रपति है गैब्रियन बोरिक। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? अतुल दिनकर गणे, यूसुफ अली खान? सही उत्तर है ए, अतुल दिनकर गणे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? अहमद सहजाद, संदीप लामिछाने, शाकिब अल हसन, एडन मार्करम? सही उत्तर है बी, संदीप लामिछाने। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।